क्या देख रहे हो शाहरुख? कुछ नहीं सर, बस ये रणबीर कपूर इन एज संजू। बॉस एक बात तो सच है, जब तक कोई इंसान दूसरे इंसान से हटकर काम नहीं करता तब तक उसे सफलता नहीं मिलती। कुछ ऐसा ही हुआ है एसआरके के साथ, बोले तो शाहरुख खान। मैं नहीं मानता। बॉस मानना पड़ेगा। अभी आप एग्जांपल के लिए पठान को देख लीजिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जहाँ पूरे भारतवर्ष में बॉयकॉट बॉलीवुड चल रहा था, वहीं शाहरुख खान की पठान को रिलीज किया जाता है थिएटर में। फिर उसके बाद जो हुआ वो तो आप सबको अच्छी तरीके से पता है, किस कदर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की एंड 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक ही। बात तो सही है। और उसके बाद इसी महीने शाहरुख खान की एक और मूवी थिएटर में लगी हुई है जिसका नाम है जवान, जिसने की कई सारे रिकॉर्ड तोड़े। एंड पठान मूवी का जो शाहरुख खान की खुद की मूवी थी उसका भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2023 का खिताब अपने नाम हासिल कर लिया। तो यही होता है दोस्तों, जब ऊपर वाले की कृपा होती है तो सब काम अपने आप लाइक ऑटोमेटिक ही होने चालू हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों पता नहीं अभी तक आप कहां खोए हुए हो, अगर यहां तक वीडियो में आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली ऐसी अपडेट सबसे पहले आपके पास आए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों अब तक बात की थी इस साल की हमने शाहरुख खान की दो ब्लॉकबस्टर मूवी की, लेकिन इसी के चलते तो शाहरुख खान की इसी साल एक और मूवी आने के लिए जा रही है जिसका नाम है डंकी। जलवा है हमारा। दोस्तों ये जो मूवी हमें 22 दिसंबर बोले तो इसी साल के लास्ट में देखने के लिए मिलने वाली है। तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हो इस मूवी को देखने के लिए हमें कमेंट में बताना, और चलिए आगे बात करते हैं। ऐसे में बड़ा सख्त लौट आऊं। और दोस्तों बात करें इस मूवी में स्टार कास्ट की, तो इसमें हमें शाहरुख खान के साथ साथ विकी कौशल, तापसी पन्नू लीड रोल में नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये पठान और जवान दोनों का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? आपको जो भी लगता है हमें कमेंट में बता के जाना, और चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाना। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।